हाय गाइस, वेलकम बैक। आपका अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है गाइस। आज की इस वीडियो में हम iOS 18 के बीटा 8 के अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। सो, ये जो बीटा 8 अपडेट रहने वाला है, ये लास्ट अपडेट है iOS 18 का बीटा अपडेट। सो, इसके बाद कोई भी आपको बीटा अपडेट एप्पल की ओर से देखने को नहीं मिलने वाला है। उसके बाद सीधा ही एप्पल RC अपडेट को रिलीज़ करेगा, क्योंकि एप्पल ने अपना इवेंट अनाउंस कर दिया है काफ़ी दिन पहले। तो सितंबर की 9th डेट को आपको इवेंट देखने को मिलेगा एप्पल का, जिसमें कि एप्पल अपना नया आईफोन 16 और साथ में iOS 18 का जो RC अपडेट है वो रिलीज़ करने वाला है। तो एक हफ्ते के बाद आपको स्टेबल अपडेट भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो iOS 18 का बीटा अपडेट, जो लास्ट अपडेट है, वो कितना स्टेबल है। सो, सबसे पहले ही गाइस, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो अपडेट का साइज़ कितना था। तो 276.5 MB बीटा 8 अपडेट का साइज़ था। तो अपडेट का साइज़ इतना बड़ा नहीं था, और यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो अपडेट के बाद भी मेरे डिवाइस ने बैटरी हेल्थ को ड्रॉप नहीं करा है। 82% आपको देखने को मिल रही है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस वॉच करते हो तो पुराने वाले अपडेट में भी 82% थी। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बैटरी देखने को मिल रही है iOS 18 के लास्ट बीटा अपडेट में। तो गाइस, इसके बाद आपको RC अपडेट देखने को मिलेगा। सो, इसीलिए एप्पल अपने iOS 18 के अपडेट को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बीटा अपडेट्स में ही बनाए रख रहा है। तो आपके सामने ही है, बैटरी बैकअप अमेजिंग हो रखा है बीटा 8 के नए अपडेट में। तो गाइस, यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है ओवरनाइट में, तब भी अपनी बैटरी को काफ़ी बढ़िया तरीके से होल्ड करके रख रहा है। तो बैटरी के ग्राफ में आप देख ही सकते हो, बिल्कुल स्ट्रेट आपको बैटरी ग्राफ देखने को मिल रहा है। तो लास्ट चार्ज मैंने इसे करा था थर्सडे को 98%, अब आप 48% आपको देखने को मिल रही है। तो आज का जो दिन है वो है सैटरडे। तो 2 दिन 3 दिन हो चुके हैं इस अपडेट को, इसको मैंने चार्ज के ऊपर सेट करे हुए, काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप मेरे को देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें 10 डेज़ के बैटरी बैकअप की, तो पिछले 10 दिनों में सबसे ज़्यादा यहाँ पर कैमरा की एप्लीकेशन यूज़ हुई है। इस डिवाइस में मैं वीडियोस वगैरह को शूट करता हूँ, इसीलिए मैं इसके ऊपर कोई भी एक्टिविटी और नहीं करता हूँ, बस इस डिवाइस को मैं एज ए कैमरा ही यूज़ करता हूँ। तो गाइस, उसके बाद हीटिंग की अगर बात करें, हीटिंग आपको नॉर्मल सी देखने को मिलेगी। हीटिंग इशू पर भी काफ़ी बढ़िया काम करा गया है। अगर आप अपने डिवाइस में गेमिंग वगैरह करोगे तब तो ऑब्वियसली आपका डिवाइस हीट करेगा ही करेगा। अगर आप चार्जिंग पे भी सेट करते हो उस टाइम पे के ऊपर आपको कम हीटिंग इशू देखने को मिलेगा, उसके ऊपर कोई भी आपको ओवर हीटिंग का इशू देखने को नहीं मिलने वाला है कि एप्लीकेशंस के कारण आपका डिवाइस ओवर हीट कर रहा है, ऐसा कोई भी इशू आपको नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद परफॉर्मेंस वाइज बात करें, तो परफॉर्मेंस वाइज ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। इसमें आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी कि आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो क्रैशिंग इश्यूज आपको प्रोवाइड कर रही हैं। जैसे मैं अपनी एप्लीकेशंस के ऊपर टैप करता हूँ तो वैसे ही ये सारी की सारी एप्लीकेशंस ओपन हो जाती हैं। इसमें मेरे को कोई भी लैगिंग क्रैशिंग इश्यूज फेस नहीं हुए हैं जब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के सारे iOS 18 के फीचर्स इस डिवाइस पे काम करते हैं। कंट्रोल सेंटर में भी आपको कोई भी बग्स देखने को नहीं मिलेंगे, और ना ही आपके आईफोन की लॉक स्क्रीन के ऊपर। सो, लॉक स्क्रीन इंटरफेस काफ़ी चेंज है। यहाँ पर आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हो। तो यहाँ पर सारे के सारे फीचर्स वर्किंग है iPhone 11 पे। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कनेक्टिविटी के बारे में, वाईफाई के बारे में। तो वाईफाई में भी मेरे को कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है। बहुत ही बढ़िया ये जो बीटा अपडेट है iOS 18 का बीटा 8, वो मेरे डिवाइस में काम कर रहा है। तो इसमें मेरे को कोई भी बग्स और इश्यूज़ देखने को नहीं मिल रहे हैं। सो, अगर आप सभी भी इंस्टॉल करना चाहते हो iOS 18 के RC अपडेट को, या स्टेबल अपडेट को, या बीटा अपडेट को, तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसमें आपको कोई भी बग्स देखने को नहीं मिलेंगे। सो, ये थे गाइज आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो, मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।